सब लोग और मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। आज टाइम से पहले उठ गई थी मैं, तो जल्दी तैयार हो गई। और आज मैंने ना अपना हेयर स्टाइल न्यू बनाया है। आज मैंने ना अंश का हेयर बैंड लगाया है, तो थोड़ा सा यहाँ से गंजू गंजू दिख रही हूँ ना, क्या करूँ, ऐसे करके दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा लग रहा है, ये चेंज कर लूँ, सही लग रहा है, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना। और बस अब बिल्कुल रेडी हूँ, चाय पी रही हूँ और जा रही हूँ। आज मेरे पास है 15-20 मिनट, आराम से चाय पीऊँगी, आराम से तैयार होकर जाऊँगी, मिलती हूँ आपको। तो फॉग हो रहा है आज हमारे मेरठ में और हम जा रहे हैं विद्यालय। हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ने आ रहे हैं, ये हमें छोड़ने आते हैं रोज। कहीं और चली गई तो कहीं और कहाँ जाएंगे हम, स्कूल के अलावा कहाँ जाएंगे, स्कूल स्कूल से घर, घर से स्कूल, हमारी जिम्मेवारी यही है बस में चढ़ाना। अच्छा, तो बस में चढ़ा के हमारी जिम्मेवारी तब पूरी होती है। चलो ठीक है, आज तो बहुत भयंकर वाली ठंड हो रखी है, लेकिन मैंने कैप नहीं पहनी है। और इनका हाल देखो, इनका ढक लो अच्छी तरीके से, बिल्कुल। चलो जी पहुंच गए। और आज से तन्मय की भी ऑनलाइन क्लास है, वो घर से क्लास लेगा, हम स्कूल से क्लास देंगे। और पहुंच गए अपने स्टॉप पर और दिख गई मुझे अपनी बस आती हुई। चलिए जी, सुंदर सी चिड़िया दिख नहीं रही पूरी, अगर मुझे देखे तो मैं पूरी को ले लो। हाँ ये बाज बाज बैठे इधर, वो देखो टायर के पीछे छुप गई है, बहुत ही सुंदर बर्ड, मेरे को जा दे उड़ जाएगी, बहुत सुंदर है, दिख जा, बिल्कुल अंदर ही चली गई, ऐसे पता चल गया कि मैं मतलब। हाँ तो कितनी लंबी पूंछ है इसकी, नहीं दिख रही है प्रॉपर, नहीं दिख रही, जाकर देखूं, जाकर देखती हूँ। लो देखो, मैंने कहा था ना उड़ जाएगी, बहुत ही सुंदर है, चिड़िया गिलहरी सब है इस पेड़ के ऊपर। आज स्कूल से जैसे ही घर आई ना, तो वहां बाहर मुझे इतनी प्यारी बर्ड दिखी, उसकी मतलब किंग फिशर ही थी जहां तक मुझे लग रहा है, बट किंग फिशर की इतनी लंबी पूंछ तो नहीं होती, उसकी इतनी लंबी पूंछ थी और पेयर में थे वो, और मैंने बहुत कोशिश की कैमरा में उन्हें लेने की, बट वो मुझे दूर से ही दिखे, मतलब मैंने अपनी आंखों से तो उन्हें देखा बट कैमरे में मतलब उतना क्लियर नहीं दिखा। बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखी और वो भी मेरठ में, तो बड़ी अच्छी लगी मेरे को वो बर्ड्स। मैंने आपको भी दिखाने की थोड़ी सी कोशिश तो की है। जैसे कि आज है सकट चौथ, भगवान गणेश जी का हैप्पी बर्थडे होता है आज के दिन, और ये सकट का व्रत होता है, रखते हैं सब लोग, कई लोग रखते हैं कई लोग नहीं भी रखते हैं। मैं बहुत छोटी थी, बचपन से मैं रखती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है हमारे यहाँ पर मेरे दादाजी चूड़ी बनाते थे और हम लोग व्रत रखते थे, निर्जल व्रत रखते थे, पानी भी नहीं पीते थे हम पूरा दिन। बट अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उठते संगे हमें दवाई खानी है और बिना रात दवाई खाए सोना नहीं है, तो अब वो बिल्कुल निर्जल तो नहीं हो पा रहा है व्रत, लेकिन हाँ हो जाता है। बिल्कुल अभी अभी कॉलेज से आया और देखो मैंने आपको बताया ना मैं कितना कुछ बना रही हूँ, और ये अपने फ्रेंड के बर्थडे पर जा रहे हैं। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं पार्टी में, और मैं इतना कुछ बना रही हूँ जो वो माँ के हाथ का छोड़ के, तुझे पता नहीं था कि बर्थडे है दोस्त का, तो मुझे बता देता, पर फिर भी बनाती तो सही मैं इतना ही सब कुछ। तो आज सकट के उसमें मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू, अभी कुछ दिन पहले भी बनाए थे बट वो ख़त्म हो गए हैं, मैंने मावा इधर भून लिया है और इधर तिल भी बिल्कुल भून कर रेडी कर लिए हैं, अभी गर्म है, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब बनाऊँगी लड्डू। और इधर मैंने गोभी काट ली है, आलू गोभी बनाऊँगी, और पनीर भी लाई हूँ, थोड़ा सा मटर पनीर भी बनाऊँगी, और प्याज तो आज जलेगा नहीं तो टमाटर का ही होगा सारा, और साथ में लाई हूँ बथुआ, बथुए की मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ पूरी बना लूँ और थोड़ा सा बना लूँ रायता, तो ये सब चीज़ें बनाऊँगी, बच्चे खाएंगे कितना अच्छा लगेगा। हाजी माँ, तो क्या क्या बनाया, तो हम क्या भी बनाया, तुझे क्या मतलब है, तो खा कर आया है, मुझे तो ये भी नहीं पता था वरता आज। सॉरी, सब चीजें बनाई मैंने तेरी पसंद की, देख मैंने तो ये देखा लड्डू के डब्बे भरे हुए हैं, आज तो लड्डू बनने ही था, आज गणेश जी का बर्थडे है, देख। और बताओ क्या क्या बना है। क्या बात है, बट यार मैं तो पेट भर के आया हूँ अपना, और ये बथुए की पूरी बनेगी, और ये मैंने बथुए का रायता, वाह जी वाह, और आलू गोभी, ओए होए होए,
लड्डू तो अच्छे लग रहे हैं ये भी, बट माँ के हाथ के लड्डू की क्या बात है। चांद निकले मेरी माँ कुछ खाए, मैं अपने हाथों से खिलाऊं। पानी नहीं पी रखा। चलो जी हम करते हैं, चंद्रमा को बुला के आते हैं। ओके अभी कॉल कर रहा हूँ। क्या लिया है हमारे लिए, क्या है? चलो मैं देख के आता हूँ गाइस। जलंधर सरप्राइज है तेरे लिए। खोलो यार, अंधेरा ही अंधेरा। यो ब्रो, पापा लाए हैं ब्रो। क्या बात है, चार्ज होने दो ब्रो। बहुत तगड़ी आवाज है ब्रो, बहुत तगड़ी। तगड़ी बोलते ओपी बोलते, कैसा लगा? वो तो लगेगा ही, राधे की पसंद। बजा चुके हम, इसमें हमने बजाया था। हाँ इसमें हमने बजाया था, मेरी जान तूने मुझको क्या किया, पागल कर दिया। अरे भाई तुझी को पागल करती रही जान तेरी। कौन सी जान? मैं हूं ना तेरी जान। क्योंकि मम्मी के फोन से नहीं हुआ है, पापा के फोन से हुआ है। यो ब्रो कैसा लगा यार, बजा दे कुछ। बड़ी टेंशन है भाई हमें, कॉपीराइट। Actually, mom, here one vlogger doing vlogging. ये क्या कर दिया? बेहतरीन सा गाना लगाता ना। अरे सी जगीटा, ट्रपिटा। सुबह हो चुकी है गाइज, चिड़िया चू चू कर रही है गाइज। यो यो और कुछ ट्राई करें ब्रो, एक पंजाबी गाना थोड़ा सा लगा दो, इतने में नहीं आएगा कॉपीराइट। नहीं, आई हैव वन सॉन्ग भगवान, एट लास्ट। इस पे कॉपीराइट नहीं है। अरे ये तो बेहतरीन गाना है। बस देख लो क्यों हो गया। मम्मी कहाँ है? मम्मी रात के बज गए 9:30 और कहाँ 8:30 बजे चांद निकलना था और अभी तक चांद नहीं निकला है। और अब थोड़ी सी घबराहट हो रही है क्योंकि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है ना, तो अब थोड़ा सा डाउन सा फील हो रहा है। और लाइव देख रहे हैं, लाइव तो पता चल रहा है कि मेरठ में चांद निकल गया है, बट हमें क्यों नहीं दिख रहा। और हम लोग अब जा रहे हैं छत पर देखने के लिए। तन्मय खाना खा रहा है क्योंकि तन्मय से नहीं कंट्रोल हो रहा। और अंश तो खाकर आया ही हुआ है, हस्बैंड वेट कर रहे हैं कि तुम व्रत खोल लो तो ही एक साथ खाएंगे। तो मैं फाइनली छत पर जा रही हूँ, देखते हैं कि चांद को देखकर ही खोलना पड़ेगा या तारों को।
ओए होए 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 कभी कभार मौका लगता है यार तो खुलवा दो अरे एक मिनट नहीं 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 हाँ पानी मैंने छोड़ा ही नहीं पानी मैं पिलाऊंगा मेरा चांद लो खिलाओ छोटा चांद तो खाने में लगा हुआ नीचे उससे नहीं हुआ सब वो तो भोजन करने में मस्त है मुझे तो खिला दो चलो बाय बाय नीचे जा रहे फाइनली हो गया खाना पीना और मैं तो आ गई लेटने क्योंकि पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा वीकनेस सी फील होने लगी ना एकदम ऐसा नहीं है कि पहली बार फास्ट रखा मालूम नहीं एंड अभी मतलब लगभग 9 बजे के करीब थोड़ी सी दिक्कत सी महसूस हुई और भगवान का नाम लेकर छत पे गए तो चांद दिख गया हमारे को और पूजा भी हो गई और खाना भी खा लिया और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए और गणपति बापा सबके घर पर कृपा करें सबके बच्चों के संकट दूर करें आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बाय।